इनकी इशाअत और वाज नसीहत नात नबी फैलाता है, दीन नबी फैलाता है, दीन नबी फैलाता है, दीन नबी फैलाता है। है अनोखा है निराला हर चैनल में वो चैनल, है अनोखा है निराला हर चैनल में वो चैनल, आमिर का आमिर का आमिर का। बहुत लंबा आपके दरमियान हाइल्ला होते हुए एक बात आपसे अर्ज करके फिर जो है प्रोग्राम शुरू करें। देखो जब भी कोई मजलिस शुरू होती है तो अल्लाह के नाम से शुरू होती है, जब अल्लाह के नाम से शुरू होती है तो इसमें बड़ी बरकतें होती है। हदीस में आता है कि जो काम अल्लाह के नाम से शुरू होता है वो बाबरकत होता है। हम भी जो है अपनी इस महफिल का आगाज जो है एक बच्चे की तिलावत के साथ करेंगे, तो मैं जो है दावत दूंगा मोहम्मद देरकी साहब को कि वो आए और कुरान पाक की तिलावत के जरिए से महफिल को शुरू फरमावे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما، ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير، وكان الإنسان عجولا، وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب، وكل شيء فصلناه تفصيلا، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، صدق الله العظيم. آئیے اب جو ہے بہت لمبا نہ کرتے ہوئے प्रोग्राम को मुख्तसर करते हुए मैं दावत दूंगा आदिल समोल को कि वो आए और नज़म पेश फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिन देखे मुहम्मद पर कुर्बान जमान
پر قربان زمانہ ہے جس جس کو بھی دیکھا ہے وہ ان کا دیوانہ ہے بن دیکھے محمد پر قربان زمانہ ہے جس جس کو بھی دیکھا ہے وہ ان کا دیوانہ ہے سبحان اللہ روزہ ہے جو آقا کا جنت کا وہ ٹکڑا ہے روزہ ہے جو آقا کا جنت کا وہ ٹکڑا ہے اجرے میں تو اماں کی رحمت کا خزانہ ہے حجرے میں تو اماں کی رحمت کا خزانہ ہے بن دیکھے محمد پر قربان زمانہ ہے جس جس کو بھی دیکھا ہے وہ ان کا دیوانہ ہے اس دن سے بلندی پر پہنچی ہے میری قسمت اس دن سے بلندی پر پہنچی ہے میری قسمت جس دن سے محمد کا ہونٹوں پہ ترانہ ہے جس دن سے محمد کا ہونٹوں پہ ترانہ ہے بن دیکھے محمد پر قربان زمانہ ہے جس جس کو بھی دیکھا ہے وہ ان کا دیوانہ ہے معراج کی شب مولا جبریل سے یوں بولے معراج کی شب مولا جبریل سے یوں بولے محبوب کے دلوں پر لب رکھ کے جگانا ہے محبوب کے دلوں پر لب رکھ کے جگانا ہے لب رکھ کے جگانا ہے لب رکھ کے جگانا ہے بن دیکھے محمد پر قربان زمانہ ہے جس جس کو بھی دیکھا ہے وہ ان کا دیوانہ ہے مہتاب ہوا ٹکڑے انگلی کے اشارے سے مہتاب ہوا ٹکڑے انگلی کے اشارے سے ہر معجزہ آلہ ہے انداز سہانا ہے سبحان ہر معجزہ آلہ ہے انداز سہانا ہے بن دیکھے محمد پر قربان زمانہ ہے جس جس کو بھی دیکھا ہے وہ ان کا دیوانہ ہے کچھ بھی تو نہیں پلے اعمال ارے سائیں کچھ بھی تو نہیں پلے
आमाल अरसाई सरकार की मिन्नत ही बख्शिश का बहाना है सरकार की मिन्नत ही बख्शिश का बहाना है बिन देखे मोहम्मद पर कुर्बान जमाना है जिस जिस को भी देखा है वो उनका दीवाना है। अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और हम दावत देंगे अबरार कारी सिद्दीक सिंधी साहब को कि वो आए और नज़म पेश फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। السلام ورحمة الله وبركاته لرستالر خرادا سر جھکائے برا پا ہے چلاؤں سوئے تیبا لرستالر خرادا سر جھکائے گناہوں کا سر پر بوجھ باری گناہوں کا ہے سر پر بوجھ باری پریشان ہوں اسے اب کو اٹھائے کبھی آیا कभी दीवार पकड़ी मगर फिर भी कदम जमने न पाए कभी लाठी कभी दीवार पकड़ी मगर फिर भी कदम जमने न पाए न बेटा है न पोता है न भाई कोई घर का नहीं जो साथ जाए न बेटा है न पोता है न भाई कोई घर का नहीं जो साथ जाए नहीं कुछ आरज़ू अब वापसी की नहीं कुछ आरज़ू अब वापसी की वही रखे खुदा वापस न लाए मगर चलता रहूंगा धीरे धीरे मंजिल पहुंचाए मगर चलता रहूंगा धीरे धीरे मेरा मालिक मुझे मंजिल पहुंचाए वहां जाकर कहूंगा गिर गिरा कर वहां जाकर कहूंगा गिर गिरा कर सलाम उस पर जो गिरतों को उठाए सलाम उस पर जो सोतों को जगाए सलाम उस पर जो सोतों को जगाए सलाम उस पर जो रोतों को हंसाए सलाम उस पर जो उजरों को बसाए आपका काम ना सलाम उस पर
बहुत अच्छी सी बात है, सुनिए सुनिए। मिलाए सलाम से पर जो बूकों को खिलाए, सलाम से पर जो बूकों को खिलाए, सलाम से पर जो प्यासों को पिलाए, सलाम से पर जो मुजरिम को छुड़ाए। अस्सलाम वालेकुम। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإن إنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضوا من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء بنيناها لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي.
والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ما شاء الله ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم الله. فتول عنهم فما أنت بملوم ففروا ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين الله ما شاء الله تبارك كذلك ما فتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قال
شاء الله احسنت اتواصوا به بل هم قوم فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون الله ما شاء الله سنت إن ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون صدق الله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه
من والده وولده والناس أجمعين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: أنا خاتم الأنبياء وأنتم آخر الأمم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز حاضرين بزرگان دین جماعت مسلمین امت بہترین پردے کی آڑ میں بیٹھ کر سننے والی معززہ محترمہ مکرمہ ماؤں بہنوں عزیزہ بیٹیوں، اللہ تعالی نے بڑا فضل و کرم کا معاملہ فرمایا، عشق رسول کی نسبت پر، قرآن کی نسبت پر، دین کی نسبت پر اللہ نے مجھے اور آپ کو یہاں جمع فرمایا. ہم سارے مل کر دعا کرتے ہیں رب کعبہ کی بارگاہ میں، اللہ میری حاضری، آپ حضرات کی حاضری اس رنگ میں قبول فرمائے، ماضی کے سارے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جائے. اللہ تعالیٰ کا کروڑ ہا احسان ہے، ارب و خرب و شکر ہے، جتنا شکر ادا کرے اتنا کم ہے. اللہ نے مجھے اور آپ کو ایمان کی دولت عطا فرمائی. محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امتی بنایا، 1,24,000 انبیاء میں میرا تمہارا عقیدہ ہے ہمارے نبی کی شان سب سے اعلیٰ. کم و بیش 1,24,000 انبیاء دنیا میں آئے، ہمارے نبی کا مرتبہ سب سے اونچا. کتاب ملی کتابوں سے اعلیٰ، شریعت ملی شریعتوں سے اعلیٰ، خاندان ملا خاندانوں سے اعلیٰ، خلق ملا چاند تاروں سے اعلیٰ، معبود ملا سبحان ربی الاعلیٰ. میرے نبی کی سیرت بھی نرالی، میرے نبی کی صورت بھی نرالی، سیرت حسین ہے، صورت بہترین ہے، سیرت کے اندر کمال ہے، صورت کے اندر جمال ہے، دیکھو تو بالکل آمینہ کا لال ہے. پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم. اور شکر ہے اللہ نے مجھے اور آپ کو آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امتی بنایا. کل کوئی امت جنت میں نہ جائیں گی، انشاءاللہ آخری نبی کی امت سب سے پہلے جنت میں جائیں گی. داخلہ ملے گا ہی نہیں، انٹری ملے گی ہی نہیں. اللہ فرمائے گا فرشتوں سے، جاؤ میرے میٹھے نبی کی میٹھی امت کو لے آؤ. یہ اور بات ہے، آج ہم اپنا مقام بھول چکے. یہ امت شراب پینے والی، یہ امت بیاج پہ پیسے اٹھانے والی، یہ امت لون پہ چیزیں اٹھانے والی، یہ امت آدھی رات تک فیس بک پہ انسٹاگرام پہ اجنبی لڑکیوں سے چیٹنگ کرنے والی، یہ امت قرآن کی جھوٹی قسمیں کھانے والی، مسجدوں کی بے حرمتی کرنے والی، ماں باپ کو ستانے والی، چھوٹی چھوٹی بات پہ طلاق دینے والی. کون سا گناہ چھوڑ کے رکھا ہے؟ چوری عام ہو گئی، زنا عام ہو گیا، بدماشی عام ہو گئی، دھوکہ دینا عام ہو گیا، جھوٹ بولنا عام ہو گیا،
कितने लोग धोखा देते हैं, कितनी चोरियां चलती है, कितनी शराब पी जाती है, कितना नशा होता है। 10 साल का 12 साल का बच्चा नशा करता है। डर नहीं, खौफ नहीं। 17वां पारा अल्लाह ने कुरान में कहा, अल्लाह का कुरान कहता है, या अय्युहन नास, ओ बादशाह, ओ अमीरो, वजीरो, बड़ी बड़ी जागीर के मालिको, ओ मर्द औरतो, इत्तकू रब्बकुम, डरो अपने परवरदिगार से, डरो उस खालिके कायना से, डरो उस मालिके कायना से जिसने तुझे पानी के नुत्फे से इतना बड़ा लंबा चौड़ा आदमी बना दिया, जिसने तुझे आंखें दी, जिसने तुझे दिल दिया, जिसने तुझे दिमाग दिया, जिसने तुझे बीवी दी, जिसने तुझे औलाद दी। फरमाया इत्तकू रब्बकुम, डरो अपने परवरदिगार से, डरो उस खालिके कायना से, डरो उस मालिके कायना से। इन ज़लज़लत सा'अति शैउन अज़ीम, जमीन में जबरदस्त भौचाल आएगा, जमीन में जबरदस्त जलजला आएगा। ये इतनी लंबी चौड़ी जमीन, मेरा अल्लाह इस पे भी कादिर है, एक ही सेकंड में सांप की तरह लपेट लेगा। अल्लाह का कुरान कहता है, यौम तरौनहा तदनल कुल्लु मुर्दियातिन, औलाद कितनी महबूब तरीन शै है, औलाद को कोई भूखा नहीं देख सकता, नंगा कोई नहीं देख सकता, प्यासा कोई नहीं देख सकता, बीमारी की वजह से तड़पता कोई नहीं देख सकता। अल्लाह का कुरान कहता है, ऐसी कयामत की बंसरी बजेंगी, ऐसा खतरनाक दिन आएगा, दूध पिलाने वाली माँ अपने बच्चे को उठा के जमीन पे पटक देंगी। यौम तरौनहा तदनल कुल्लु मुर्दियातिन अम्मा अरदअत वतदअउ कुल्लु दाति हमलिन हमलहा, दादी कितनी खुश होती है, मेरी बहू को हमल रह गया, अल्लाह मुझे औलाद देगा। बाप कितना खुश होता है, अम्मी जान कितनी खुश होती है, मैं अल्लाह मेरी आंगन में बाहर लाएगा, प्यार से अम्मा कहेगा, मैं प्यार से बेटा कहूंगी। अल्लाह का कुरान ललकार के कहता है, ऐसी खतरनाक कयामत की बंसरी बजेंगी, सारे हमल गिर जाएंगे, शहर के लोग जंगल की तरफ दौड़ेंगे, जंगल के लोग शहर की तरफ दौड़ेंगे, आखिरकार उस इसराफिल की आवाज इतनी बढ़ती चली जाएंगी, इधर शम्स कुव्विरत, सूरज बेनूर हो जाएगा, व इधर नुजूम कदरत, सितारे बेनूर हो जाएंगे, नदी नाले खुश्क हो जाएंगे, दरिया समंदर खुश्क हो जाएंगे, व तकूनुल जिबालु कलइन्निल मनफूश, ये अरबों खरबों टन वजन वाले पंगाड़ रेजा रेजा होकर कपास की तरह हवा में उड़ेंगे, सारा निजाम कायनात तबाह बर्बाद हो जाएगा। वतरन्ना ससुकरा वमा गुम बिसुकरा वलाकिन अज़ाबल्लाहि शदीद, ऐसा मालूम होगा सारी कायनात बेहोश पड़ी है, अल्लाह की कसम वो बेहोशी नहीं होगी, वो अल्लाह का अज़ाब होगा। जितनी बिजली चोरी करोगे उससे कई गुना ज्यादा अंधेरा कब्र में पाओगे। हुकूमत वालों की आंखों में हम धूल झोंक सकते, उस कायनात के मालिक से नहीं छुप सकते, जो काली पहाड़ी पर चलने वाली काली चींटी की लकीर को भी देखता है। जुलेखा ने कहा था, यूसुफ आजा हई तलक, काले बुत पे काली चादर डाल दी, कहा आजा हम तो खुदा से भी छुप गए, कहा तू तेरे झूठे खुदा से छुप सकती है, मेरा खुदा सातवीं कोठड़ी के अंधेरे में भी देखता है। फिर दौड़ लगाना यूसुफ का काम था, ताले तुड़वाना मेरे रब का काम था। कितनी किश्तें भरते हो, 10 साल 12 साल से ब्याज देता है, 20 साल हो गए मौलाना, जितना लिया था उससे 4 गुना दे चुका हूँ, अभी कितना बाकी है, कहा 8 लाख, ये कम नहीं होता, खत्म नहीं होता है। मर जाता है बाप, बेटा कहता है मौलाना साहब बाप का कर्जा है, दुआ करना। कैसे हुआ, का ब्याज पे चीजें उठाई थी, भरपाई नहीं कर सका, मर गया, कितना बाकी है, कहा 13 लाख। फिर न ये चैन से सोता है, न इसकी घरवाली सोती है।
मेरे पे फोन आता है, मौलाना साहब मजबूरी थी, गैरों से भी उठाया है, अपनों से भी पैसा लिया है, अपने वाले फीसद ज्यादा मांगते हैं, वो 3% उनका फिक्स है, यहाँ 30% फिक्स है। और वसूल का जब टाइम आता है, एक हफ्ते पहले गालियों का अंबार शुरू हो जाता है, और जब वो दिन आ जाता है तो हमें लगता है हमारी सकरात है। इतना जुल्म करते जितनी वो लोग नहीं करते, इतनी अपने वाले जुल्म करते। ये पैसे बच्चों को खिलाते हो, फिर कहते मौलाना साहब दुआ करो मेरा बच्चा हफीज कुरान बन जाए। कभी कमाई पे ध्यान दिया? कितने मुसलमान जवान शराब पीते। मिश्कात शरीफ में अल्लाह के नबी ने फरमाया जो दुनिया में शराब पिएगा अल्लाह जन्नत की शराब से महरूम कर देगा, बल्कि फरमाया वईद के तौर पर जो दुनिया में शराब पिएगा अल्लाह ताला उसको तीनतुल खिबाल दो जखियों का खून और पीप पिलाएगा। यहाँ की शराब में नशा होता है, जन्नत की शराब में नशा नहीं होगा, लज्जत होगी। चार बड़ी बड़ी नहरें अल्लाह ने जन्नत में बनाई है, इसमें एक शराब की नहर है। 26वां पारा सूरह मोहम्मद। मथलुल जन्नतिल्लती वुइदल मुत्तकून फीहा अनहारुम मिन माइन गैर आसिन व अनहारुम मिन लबनिन लम यतगैर तअमुहु व अनहारुम मिन खमरिन लज्जतिन लिश्शारिबीन व अनहारुम मिन असलिन मुसफ्फा। शराब की नहर, शहद की नहर, दूध की नहर और साफ साफ शफाफ पानी की नहर। अल्लाह मुझे और आपको जन्नत का मुस्तहिक बनाए। बोलो जोर से आमीन। इतनी खूबसूरत अल्लाह ने जन्नत बनाई, संतरे के एक छिलके के नीचे हजारों लोग बैठेंगे, संतरा कितना बड़ा होगा। शुगर नहीं, डायबिटीज नहीं, मलेरिया नहीं, टाइफाइड नहीं, न्यूमोनिया नहीं, अरे बुखार नहीं, नजला नहीं, सर्दी नहीं, जुकाम नहीं, पाखाना भी नहीं, पेशाब भी नहीं। साहबी ने पूछा या रसूल अल्लाह तो खाना कैसे हजम होगा? कहा तो एक डकार लेगा सारा हजम। हमारी डकार में तो बदबू आती है। रमजान में मगरिब में देखो इतना जोर से चिल्लाता है। जन्नत ये एक डकार लेगा सारा खाना हजम, और डकार में मुश्क अंबर की खुशबू होगी। हमारे नबी ने फरमाया किसी के बाप की जागीर नहीं है जन्नत। बड़े पापड़ बेलने पड़ते। नमाजी बनो, बेनमाजी बन के ना मरो। हराम ना खाओ, हलाल खाओ। गाना ना सुनो, कुरान सुनो। मोबाइल का गलत इस्तेमाल ना करो। कितना जीना चल रहा है, निकाह मुश्किल हो गया, जीना आसान हो गया है। रोजाना भागती है लड़कियां, रोजाना हमारे नौजवान भागते। जब नशा उतरता है तब ना आगे जा सकता है ना पीछे आ सकता है। मैं तो तेरे लिए ये कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, तू क्या, तू मक्खी भी नहीं मार सकता। बीस साल, बाईस साल जिस माँ बाप ने खून पसीना एक करके इसके बड़ा, इसको बड़ा किया, ये दिन देखने के लिए बड़ा किया था कि तू अपने फर्जी इश्क के लिए ना आगे देखे ना पीछे देखे, बताए बगैर भाग जाए। बैठे रहते हैं दो दो बजे तक मोबाइल पे। يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد। अल्लाह का कुरान कहता है सारे अमल गिर जाएंगे, दूध पिलाने वाली माँ अपने बच्चे को उठा के जमीन पे पटक देंगी, सारा निजाम कायनात तबाह बर्बाद हो जाएगा। अल्लाह का कुरान कहता है युरफुल मुजरिमून बिसीमाहुम फयुखद बिन्नवासी वल अक्दाम। औरतों और मर्दों की पेशानी के बालों से पकड़ कर घसीट कर इन्हें जहन्नम की तरफ ले जाया जाएगा। नूरी फरिश्ते कहेंगे सअलगुम खज़नतुहा अलम यातिकुम नदीर। अरे ओ दोज़ख की तरफ जाने वालों, अरे टोले के टोले बन के जाने वालों, इतनी
इतनी शान वाली किताब मिली, इतना शान वाला नबी मिला, अल्लाह की तौहीद मिली, कुरान मिला, कलमा मिला, ये सब कुछ मिलने के बाद ये तूने क्या किया? अरे कहाँ जा रहे हो? ये तो बड़ी खतरनाक जगह है, हजारों हजारों साल गुजर जाएंगे, पानी 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 पुकारते पुकारते अल्लाह का कुरान कहता है फशारिबून अलैहि मिनल हमीम फशारिबून शुरबल हीम हादा नुज़ुलुहुम यौमद्दीन। गर्मा गर्म पानी पिलाओ। ये दुनिया में शराब पीता था, ये दुनिया में नशा करता था, इसने पेट में हराम का लुकमा नहीं डाला, इन्हें घास कांटे वाली जहरीली घास सट्टा खेलता है, सट्टा जुआ खेलता है, शराब पीता है, ब्याज खाता है, हराम खाता है, माँ बाप को सताता है, बीवियों पे जुल्म करता है। कौन सा गुना पिछली कौमों ने किया हमने छोड़ के रखा है? मैं कहता हूँ रब मेरे हाल की तरफ देख, आवाज आती है बंदा अपने नामाए अमाल की तरफ देख, मत कर शिकवा मशीयत का, खुदा जालिम नहीं, जालिम है मेरी तुम्हारी अपनी बदामा लिया, अपना तो लिहाज नहीं किया, उस नबी का तो लिहाज करते जिनका अल्लाह ने हमें उम्मती बनाया, जिस नबी के जिस्म पर सारी जिंदगी कभी मक्खी नहीं बैठी, और इतनी शान वाला नबी। आज आज लड़का कोई गलत काम करता है तो कहता है मेरा बाप बहुत बड़ा है, अगर मैं कोई गलत काम करता हूँ मेरा बाप मुझे छुड़ाएगा। हमारे नबी का तो पैदाइश बाप ही नहीं था, माँ के पेट में अमीना के पेट में है और अब्दुल्ला दुनिया से चले गए। अल्लाह की हिकमत पे कुर्बान जाऊं कल उठकर कोई ये ना कहे बाप के बलबूते पर मोहम्मद ने नबुव्वत का दावा किया था, बाप दिया ही नहीं। सईदा अमीना रदी अल्लाह तआला ना फरमाती है पैदा होने से पहले बाप चले गए, थोड़ा सा संभले अल्लाह ने दूसरी उंगली उठा ली, चलने लगे अल्लाह ने तीसरी उंगली उठा ली, पैदा हुए अब्दुल्ला चले गए, थोड़ा सा संभले माँ अमीना चली गई, चलने लगे दादा अब्दुल मुत्तलिब चला गया, एक एक करके अल्लाह ने सारी उंगलियां उठाई। इलाहुल आलमीन ये सारी उंगलियां तूने उठाई, कहां जानबूझ के उठाई, कहा क्यों? अल्लाह ने साबित कर दिया मैं अपने महबूब की उंगली पकड़ के खुद आगे आगे चलूंगा। अल्लाह ने एक सहारा उठा लिया, बाप चला गया, थोड़ा सा संभले अल्लाह ने दूसरा सहारा भी उठा लिया, चलने लगे अल्लाह ने तीसरा सहारा भी उठा लिया। साये पसंद आए ना उस परवरदिगार को, बेसाया कर दिया इस सायेदार को। इलाहुल आलमीन माँ बाप तो अजीम सरमाया होते, इलाहुल आलमीन सारे साए उठा लिए, कहां जानबूझ के उठाए, पूछा क्यों? कहा कल मेरा पैगंबर फारान की चोटियों पे खड़ा होकर किस बाप को आवाज देगा, शिया बे अबी तालिब की 3 साल कैद में किस बाप को आवाज देगा, बदर के अंदर, खैबर के अंदर, उहुद के अंदर, तबुक के अंदर किस बाप को आवाज देगा? अरे ओ यतीम, ओ आमीना के लाल, ओ अब्दुल्ला के चांद, अभी से मुझे पुकारने की आदत बना ले, पुकारना तेरा काम होगा, जिंदगी भर यतीम को सहारा देना मेरा काम होगा। सईदा अमीना कितनी शान वाला नबी। सईदा अमीना रदी अल्लाह ताला ना फरमाती है जब मेरे यहाँ मेरे लाल की आमद का वक्त हुआ, मैंने मेरे लाल की जुल्फों की तरफ देखा, कंगी हो चुकी है, आंखों की तरफ देखा, सुरमा डाला हुआ है, वजूद की तरफ देखा, खुशबूए लगी हुई है। इलाहुल आलमीन ये क्या हो रहा है? आवाज आई अमीना, माँ अपने बच्चे को संवारती है, खुदा खुद अपने नबी को सवारता है। सईदा अमीना रदी अल्लाह ताला ना फरमाती है कहत दूर हो गया, आसमान के तारे टूट टूट कर मुझे सलामी देने के लिए आ रहे, पूरे मक्के में रोशनियां फैल जाती है, पूरे मक्के में खुशबूएं फैल जाती है। इलाहुल आलमीन ये रोशनी क्या है? आवाज आई अमीना, आज तेरा घर रोशन है, कल हलीमा का घर रोशन होगा, फिर खदीजा का घर रोशन होगा, फिर 1,44,000
सहाबा का सीना रोशन होगा। तेरा लाल जिन गलियों से गुजरेगा गलियां रोशन कर दूंगा, जिन गारों से गुजरेगा गारे रोशन कर दूंगा, इसकी रोशनी आम होगी। अल्लाह का कुरान कहता है इन्ना अरसलना का शागिदं व मुबशिरं व नदीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजन मुनीरा। रोशनियों वाला नबी अल्लाह ने अता फरमाया, इन्हीं की तो उम्मत है। हमारे नबी के आने से पहले कितना अंधेरा था, ये चारों तरफ उजाला देख रहे हो, बोलो जोर से बेशक। ये भी हमारे नबी की जुतियों का सदका है। अरे इंसान इंसान ना होता जानवर होता अगर हुजूर दुनिया में ना आते। गरज चारों सीमत अंधेरा ही अंधेरा था, निशाने नूर गुम था और जुल्मत का बसेरा था। शायर कहता है गरज चारों सीमत अंधेरा ही अंधेरा था, निशाने नूर गुम था और जुल्मत का बसेरा था, कि दुनिया के उफक पर के दुनिया के उफक पर दफ़तन सैलाब नूर आया, जहां ने कुफ्र और बातिल में सदाकत का ज़हूर आया, हकीकत की खबर दे दे बशीर आया नज़ीर आया, शहंशाहीन जिनके पांव चूमे वो फकीर आया। पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे नबी दुनिया में आए, दादा अब्दुल मुत्तलिब को पता नहीं था, वो तो गिलाफे काबा हाथों में पकड़े हुए दुआ मांग रहे थे, इलाहुल आलमीन 10 फूल तूने दिए थे, उसमें जो सबसे ज्यादा हसीन और जमील फूल था अब्दुल्ला, वो तो तूने पहले ही से ले लिया। मेरा अल्लाह जो चाहता है वही होता है। 27 साल उम्र लिखी थी अल्लाह के नबी के वालिद की, 27 साल। चलती नहीं कुछ अपनी कोई हजार चाहे, होता है बस वही जो परवरदिगार चाहे। मेरा तुम्हारा मुश्किल कुशा कौन, बोलो जोर से। हाजत रवा कौन, अल्लाह। बिगड़ी बनाने वाला कौन, अल्लाह। अरे रिस्क देने वाला कौन, अल्लाह। मौत जिंदगी का फैसला करने वाला कौन, अल्लाह। अल्लाह के सिवा हमारा कोई दूसरा रब नहीं, जैसा हमारा दूसरा कोई अब्बा नहीं। मैं पूछता हूँ हाजी साहब, बताओ आपके लड़के कितने हैं? अल्लाह का शुक्र 4 है। आपकी लड़कियाँ कितनी है? अल्लाह का शुक्र 5 है। हाजी साहब आपकी बहनें कितनी है? अल्लाह का शुक्र 3 है। आपके भाई कितने हैं? अल्लाह का शुक्र 6 है। पूछता हूँ हाजी साहब, बताओ आपके बाप कितने हैं? लड़ाई होगी, झगड़ा होगा, फसाद होगा, खून खराबा होगा। मैं कुरान से पूछता हूँ, कुरान बता अंबिया कितने हैं? बहुत ज्यादा। औलिया कितने हैं? बहुत ज्यादा। सबसे जिंदादार कितने हैं? बहुत ज्यादा। मैं कुरान से पूछता हूँ, कुरान बता रब कितने हैं? कुरान कहता है जिस तरह धरती पर तेरा दूसरा कोई अब्बा नहीं, कायनात का दूसरा कोई रब्बा नहीं। वो ना चाहे तो चांद भी नहीं निकलता। ये सूरज रोजाना सूरज को तुम देखते हो, हदीस में रोजाना निकलते वक्त वो अल्लाह की इजाजत मांगता है। हम जो दवाई खाते हैं ना, टेबलेट भी इजाजत मांगता है, असर करूं के ना करूं, बीच में पर्दा होता है। कितनी दवाइयां असर नहीं करती, मेरे रब की मर्जी नहीं होती, बीच में पर्दा होता है। जब अल्लाह का हुक्म होता है पर्दा हटता है और दवा मरीज को लगती है, शिफा मिलती है। शिफा देने वाला कौन, बोलो जोर से। चलती नहीं कुछ अपनी कोई हजार चाहे, होता है बस वही जो परवरदिगार चाहे। हम दूसरों से औलाद मांगते, जान फूक करवाते। यहब लिमन यशाउ इनाथा, जिसे चाहता है मेरा अल्लाह लड़कियां देता है। वह यहब लिमन यशाउ दुकूर, जिसे चाहता है लड़के देता है। वह युज़व्विजु ज़ुकरानौ व इनाथा, जिसे चाहता है मेरा अल्लाह दोनों ही दे देता है। वह यजअलु मन यशाउ हकीमा, जिसे नहीं चाहता है मेरा अल्लाह कुछ भी नहीं देता है। सारे मुल्क की कब्र की मिट्टी चाट क्या हो, जब तक मेरा अल्लाह ना चाहे, बोलो कोई औलाद नहीं दे सकता। अकीदा मजबूत बनाओ, करने धरने वाली जात सिर्फ मेरे अल्लाह की है।
अगर अकीदा दुरुस्त है आमाल थोड़े है नजात हो जाएंगी। अगर अकीदा गलत है अकीदा सही नहीं है बैतुल्ला में मर जाए काबतुल्ला में मर जाए तवाफ करता हुआ मर जाए सहने हरम में तड़पता हुआ सहने हरम में दुरुद पढ़ता हुआ कुरान पढ़ता हुआ मर जाए जमजम के कुएं में मर जाए दुरुद शरीफ पढ़ता हुआ रोजे रसूल के सामने मर जाए अकीदा सही नहीं कभी जन्नत में न जाएगा। अकीदा अगर सही है आमाल थोड़े है मेरा अल्लाह एक है वहदहू ला शरीक है मोहम्मद आखिरी सच्चे पैगंबर है सारे सहाबा मेयारे हक है अल्लाह के वली नेक लोग है मरेगा गोधरा के अंदर मस्जिद उजैर के पास अल्लाह जन्नत के आठों दरवाजों को खोल देगा। बॉडी में कमजोरी आए कोई बात नहीं अकीदे में पिलपिलापन नहीं आना चाहिए वरना गए काम से। अकीदा खराब अमल खराब। अब्दुल मुत्तलिब को नहीं पता कि अमीना का लाल तशरीफ ला चुका तो गिलाफे काबा पकड़े हुए। अब्दुल मुत्तलिब दुआ मांग रहे इलाहुल आलमीन 10 फूल तूने मुझे अता किए थे जो सबसे ज्यादा हसीन और जमील फूल था वो पहले ही से तूने ले लिया लेकिन मुझे अफसोस नहीं मैंने इस पर कोई जजा फजा नहीं की हाय वावेला नहीं किया बेसब्री का मुजाहरा नहीं किया। इलाहुल आलमीन मैं तेरे फैसले पे राजी मैं तेरी तकदीर पे राजी लेकिन आमीना मेरे घर के अंदर है विलादत का वक्त बिल्कुल करीब है रहम फरमा करम फरमा बंदा नवाजी फरमा। इलाहुल आलमीन रहमत के कुछ छींटे अमीना के खेमे में डाल दे अरे कुछ छींटों से क्या होगा कुर्बान जाऊं मेरे अल्लाह की रहमत जब आदम के पुतले पे पड़ती है रहमत के छींटे मस्जिदे मलाइका बना देता है जब मेरे रब की रहमत वाली नजर आजर के बुतखाने पे पड़ती है तौहीद की शमा रोशन करने वाला इब्राहिम खलीलुल्लाह पैदा कर देता है जब मेरे अल्लाह की रहमत वाली नजर पहाड़ों वाले शहर पे पड़ती है अपना घर बनवा कर जमजम के चश्मे जारी कर देता है जब मेरे अल्लाह की रहमत वाली नजर जन्नत के गुमनाम पत्थर पे पड़ती है इतनी शान अता करता है अंबिया तो क्या अंबिया का सरदार भी चूमता हुआ नजर आता है जब उसकी रहमत वाली नजर कुएं के कैदी पे पड़ती है मिस्र का बादशाह बना देता है मक्का की यतीम पे पड़ती है इमामुल अंबिया बना देता है और हम पे पड़ी कुरान सुनने के लिए नबी की मोहब्बत में चौक में बिठा दिया। बोलो बेशक हम अपनी मर्जी से नहीं आए बहुत बड़ी ताकत हमें यहाँ लेकर आई है। अल्लाह नाराज होता है ना रोटी नहीं छीनता सजदों की तौफीक छीन लेता है। मौलाना जकरिया साहब रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा एक मजदूर था नौकर था बड़ा नमाजी था उसका आका था वो नमाज नहीं पढ़ता था उसको मछली पकड़ने का बड़ा शौक था मछली का बड़ा शौकीन था। वो नौकर से कहने लगा चलो मछली पकड़ के आते हाँ चलो बाजार में पहुंचे और अल्लाहु अकबर की सदा कानों में आई। पहले नियत करो इंशाल्लाह अजान सुनेंगे मस्जिदों को जाएंगे बोलो इंशाल्लाह। वो नौकर मस्जिद में चला गया कहाँ मछली बाद में पकड़ूंगा पहले सजदा करूंगा। वो अंदर गया नमाज पढ़ी वो आका उसका जो मालिक था उसे चौधरी को तौफीक नहीं थी वो गेट पर ही खड़ा रहा। वो अंदर गया नमाज पढ़ी नवाफिल पढ़ी सुन्नतें पढ़ी वज़ाइफ पढ़े काफी देर हो गई वो बाहर से चिल्ला रहा है यार आ भी जा तू बाहर क्यों नहीं आता। उसे ऐसा गोधरा की जमात आई होंगी 6 नंबर याद करा रहे होंगे। वो एक बच्चा 3 घंटे के बाद घर आया तो उसकी वालिदा ने कहा इतनी देर कर दी कहा अमीर साहब ने चाय का प्याला पिलाया 3 घंटे इन्हीं के साथ बैठ गया शुक्र है तू 3 घंटे के बाद आ गया तेरे वालिद ने एक दफा इनके साथ खाना खाया था 4 महीने के बाद घर आए थे। जाओ तबलीग में जाओ नमाजे दुरुस्त होगी जनाजे की दुआ तो आ जाएंगी। कितने नौजवान है बाप की माँ की मैयत घर में पड़ी हुई जनाजे की दुआ नहीं आती अरे कम से कम 11 सूरतें ही याद हो जाएंगी नमाज तो ठीक होगी नमाजी बन के मरेंगे बेनमाजी तो नहीं मरेंगे। कुछ लोग तश्कील करते हैं ना कोई राह नहीं छोड़ते और कितने तो आते हैं ना वो तो भागते हैं कि जाना ही पड़ेगा। कितने बेचारे बहुत समझदार होते और उनके बच्चे उनसे भी ज्यादा समझदार होते बाहर कुंडा खटखटा कहाँ कौन कहा जमात वाले आए बाप कहता है जा बेटा कह दे अब्बा घर पे नहीं है बेटा बहुत होशियार है अब्बा ने कहा अब्बा घर पे नहीं है
मकातिब से जुड़ो, मदारिस से जुड़ो, उलमा का एहतराम करो, उलमा से मसाइल पूछो, कुरान सीखो। कुरान सीखने में क्या शर्म? कहा मौलाना साहब अब तो उम्र हो गई, अब कहां से सीखूंगा। हमें कुरान नहीं आता, हमें नमाजें नहीं आती, ढंग की अत्तहियात याद नहीं होती, जनाजे की दुआ नहीं आती। तो वो चौधरी कहता है अरे यार आ भी जा, आ जा, कौन तुझे बाहर नहीं आने देता। वो नौकर कहने लगा मुझे वो बाहर नहीं आने देता जो तुझे अंदर नहीं आने देता। इबादत पे गुरूर ना करो, मेरे रब की मर्जी और तौफीक के बगैर तो सजदा भी मुश्किल है। मैंने इतना किया है, मैंने इतना किया है, इतना लगाया है, इतना दिया है, ये इतना इतना कहीं का नहीं छोड़ते। तलवार से भी ज्यादा बारीक चाले हैं शैतान की। हम तो मस्जिद में चंदा देते हैं, जोहर में दिया 500 का नोट, मगरिब में ही मौज़िन साहब से पूछते अरे यार सबका नाम है, मेरा नाम क्यों नहीं है, जोहर में तो 500 का नोट दिया था। दादा अब्दुल मुत्तलिब गिलाफे काबा पकड़े हुए इला वल आलमीन, रहम फरमा, करम फरमा, बंदा नवाजी फरमा। दूसरी तरफ से कनीज आ गई, कुंडा खटखटाया, अब्दुल मुत्तलिब ने पूछा कौन। कनीज कहने लगी अब्दुल मुत्तलिब तुम्हें करोड़ों मुबारक हो। कहा किस बात की मुबारक। कहा तुम मक्के का सरदार है, तेरे घर के अंदर दो जग का सरदार आ गया। तुम मक्के का मुतवल्ली है, तेरे घर के अंदर दो जग का मुतवल्ली आ गया। अब्दुल मुत्तलिब दौड़े भागे सामने आमीना का खेमा है, कुंडा खटखटाया, दरवाजा खोला गया, अंदर से खुशबू का चश्मा जारी हो गया। अब्दुल मुत्तलिब कहने लगे ओ बेटा आमीना, हमारे यहाँ रिवाज है बेवा खुशबू नहीं लगाती, बेवा फूलदार कपड़े नहीं पहनती। आमीना कहने लगी अब्बा जान मैंने कभी इतर लगाया नहीं, खुशबू का मुझे पता नहीं, इतर की दुकान पे मैं कभी गई नहीं, इतर की मुझे पहचान नहीं। कहा ये खुशबू कहाँ से आ रही है। कहा अब्बा जान आप अंदर तशरीफ ले आइए, अल्लाह ने मुझे खुशबू वाला लाल अता कर। अंदर गए, हुजूर को उठाया, इतना खूबसूरत चेहरा, इतना खूबसूरत चेहरा। मेरे अल्लाह ने फरमाया वक्तुहा, ओ मेरे हबीब तेरे रोशन चेहरे की कसम। वल्लैल इदा सजा, ओ मेरे हबीब तेरी सिया जुल्फों की कसम। इतने खूबसूरत थे, इतने खूबसूरत। कुर्बान जाऊं, हलीमा सादिया फरमाती है कमरे में अंधेरा होता, मुझे कोई चीज तलाश करनी होती, मैं अमीना के लाल को उठा के उस कमरे में ले जाती, आपके चेहरे की खूबसूरती से मुझे गुमशुदा सुई भी मिल जाती थी। इतना खूबसूरत मेरे अल्लाह ने मेरे नबी को बनाया था। और अब्दुल मुत्तलिब ने हाथ में लिया, आंसू बहाए, कहा अब्बा जान क्यों रो रहे हो। कहा काश आज इसका अब्बा अब्दुल्ला जिंदा होता, कितना खुश होता। हमारे यहाँ आरजू होती है ना, हमारे माँ बाप जिंदा होते जब थे तब मेरे पास, हमारे पास कुछ नहीं था, माल नहीं था, प्रॉपर्टी नहीं थी, जायदाद नहीं थी। हम आरजू रखते काश मेरे माँ बाप जिंदा होते, इन्होंने मेरी गुर्बत वाला जमाना देखा था, सूखी रोटी देखी थी, आज अगर मेरे माँ बाप जिंदा होते तो मक्खन वाली रोटी भी देख लेते। मेरे माँ बाप जब जिंदा थे हम आरजू रखते तो इन्होंने मेरा मेरी खाली झोली देखी थी, मेरे आंगन में वीरानी देखी थी, काश आज जिंदा होते तो मेरे आंगन में बच्चों का खेलना भी देख लेते। कहा काश आज अब्दुल्ला भी जिंदा होता, कितना खुश होता। अब्दुल मुत्तलिब ने उठाया और जब चलने लगे तो आमीना ने पूछा अब्बा जान कहाँ तशरीफ ले जा रहे हो। कहाँ मेरे दिल की तमन्ना है आने वाले को सबसे पहले अल्लाह के घर का तवाफ करा के लाऊं, अल्लाह मुझे और आपको भी ये सआदत नसीब फरमाए। 120 रहमतें उतर दी, 120 60 तवाफ करने वालों पर,
40 60 तवाफ करने वालों पर, 40 दीदार करने वालों पर और 20 तलबिया पढ़ने वालों पर। अल्लाह हरमैन शरीफेन की जियारत नसीब फरमाए, मदीने की मौत नसीब फरमाए। बोलो जोर से आमीन। अब्दुल मुत्तलिब जा रहे, रास्ते के कंकर भी सलाम कर रहे, और अल्लाह के नबी ने फरमाया मैं आज भी उन पत्थरों को जानता हूँ जो ऐलान नबुव्वत से मुझे पहले मुझे सलाम किया करते थे। मैं कहता हूँ अगर हमारा नबी उन गुंगे पत्थरों को जब जानता है तो क्या हफीज बनने वाले बनाने वालों को नहीं पहचानेगा, ये चिल्ले 4 महीने लगाने वाले को नहीं पहचानेगा, ये मकतब में 3-3 घंटे चिल्ला चिल्ला कर बच्चों को दीनी तालीम से आरास्ता करने वालों को नहीं पहचानेगा, खत्म नबुव्वत का मिशन उठाने वाले शाताउल्लाह शाह बुखारी को नहीं पहचानेगा। अरे मेरा नबी सिर्फ पहचानेगा ही नहीं, उंगली पकड़ के अपने साथ जन्नत में ले चलेगा। कुरान करीम में मौजूद है फलम्मा अतौ अला वादिन नमल قالت نملة يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون। हवा की तरह हवा में इनका तख्त उड़ता था सुलेमान अलैहिस्सलाम, जहां उतरना था वो बस्ती चींटियों की थी। एक चींटी ने तकरीर की, अरे सुराखों में चली जाओ, कहीं मसली ना जाओ, कुचली ना जाओ, ला यहतिमन नकुम सुलेमान व जुनूदुहु व हुम ला यशुरून, कि सुलेमान और इनके लश्कर को पता भी ना चले। सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर उतरा, करोड़ों चींटियां थी, उसी चींटी को उठाया अपनी हथेली पे रखा, पूछा तूने ये तकरीर क्यों की? कहा मैं इनके वोटों से चेयरमैन बनी हूँ, अगर मैंने खैरख्वाही न करनी है तो इनका वोट देना कैसा और मेरा चेयरमैन बनना कैसा। फतबस्सम दाहिकम मिन कौलिया, मुस्कुराए, फिर दूसरा सवाल किया चूंटी बता तेरी शान ज्यादा है या मेरी शान ज्यादा है? कहा शान तो आपकी ज्यादा है लेकिन आज फखर से मेरा भी सर बुलंद हो गया है। कहा क्यों? कहा हथेली नबी की ओर सवर में हूँ। सुलेमान की हथेली पे चूंटी बैठ जाए, सुलेमान की हथेली पे चूंटी बैठ जाए तब उसका मकाम बुलंद हो सकता है, तो जिसके कंधों पे मोहम्मद बैठ जाए उसके मकाम का क्या हाल होगा? करोड़ों चूटियां थी, उसी चूटी को उठाया, बता तूने ये तकरीर क्यों की? इंशाल्लाह कल आदम अलैहि सलाम से लेकर आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक पूरी दुनिया मौजूद होंगी, सारे लोग मौजूद होंगे, इंशाल्लाह मेरा नबी अपनी उम्मत को पहचान पहचान कर जन्नत का मुसाफिर बनाएगा। बंदा मरता है ना, दो फरिश्ते आते, कोई पेशानी सूंघता है, कोई नाक सूंघता है, कोई कान सूंघता है। कहा क्या करते हो? कहा हम इसका अच्छा अमल तलाश कर रहे हैं। इंशाल्लाह हमारा नबी जिस तरह फरिश्ते मुर्दों के आज़ा सूंघते हैं, हमारा नबी भी सूंघ सूंघ कर इंशाल्लाह हमें जन्नत का मुसाफिर बनाएगा। तवाफ करा लिया, अब्दुल मुत्तलिब घर लाए, कहा बेटा अमीना जल्दी ना करना। कहा अब्बा जान किस बात में जल्दी ना करना? कहा इसका नाम रखने में जल्दी ना करना, मैं मक्का वालों को बुलाऊंगा, दावत खिलाऊंगा, बच्चा दिखाऊंगा, नाम रखवाऊंगा। अमीना कहने लगी अब्बा जान आप किसको बुलाएंगे, किसको बच्चा दिखाएंगे, किससे नाम रखवाएंगे, ये तो अभी पैदा ही नहीं हुआ था, अल्लाह ने पहले ही से इसका नाम बतला दिया है। बशारत के मुताबिक आमीना ने नाम बतलाया, बशारत के मुताबिक आमीना ने नाम बतलाया। फरिश्तों ने कहा था कि अहमद ने तेरा जाया। अब्दुल मुत्तलिब कहने लगे बेटा आमीना एक नाम तूने रखा, एक नाम मैंने भी सोच के रखा है। कहा अब्बा जान आपने क्या नाम सोचा है? कहा दादा नहीं ये बेटी मेरा पोता मोहम्मद है। कहा दादा नहीं ये बेटी मेरा पोता मोहम्मद है, कि दुनिया भर के इंसानों से आला और अमजद है।
दो जाती नाम थे, कई सिफाती नाम थे, दो जाती नाम। जमीन पे मेरे अल्लाह, मेरे नबी का नाम बोलो जोर से क्या था? मोहम्मद। और आसमानों पे क्या था? अहमद। जमीन पे नाम मोहम्मद और आसमानों पे अहमद। अहमद कहते हैं जिसकी सारी कायनात तारीफ करे, मोहम्मद कहते हैं जो खुदा की सबसे ज्यादा तारीफ करे। आज तो ये नाम भी पसंद नहीं होता। कहा मौलाना बहुत पुराने नाम देते हो आप, मेरे से लोग नाम मांगते, हम नाम देते रखो यहिया, ज़करिया, ताहा, तलहा, हम सहाबा के नाम बतलाते। भूल से कह देना इब्राहिम, इस्माइल, नौजुबिल्ला कहते तो मेरे परदादा का नाम था। बहुत किससे पुराने पुराने नाम है। कोई नया एंटिक बताओ जो किसी किसी ने रखा ही ना। मैं कहता हूँ इबलीस, नमरूद, शद्दाद, कारून, हमान। नाम का साहिब नाम पे बड़ा असर पड़ता है। अरे गलत नाम रखते हो, फहद नाम रख लिया, असद नाम रखा, असाद ठीक है, असद, असद का माना होता है टाइगर, शेर, ये बड़ा होके लोगों के गरेबान फाड़ेगा। साहबा के नाम पसंद नहीं आते। हमारे नबी की शान सबसे आला, बोलो जोर से बेशक। जिस तरह चांद सितारों से आला, सूरज रोशनियों से आला, गुलाब का फूल सारे फूलों से आला, फरीद मोती सारे मोतियों से आला, जिस तरह चांद सितारों से आला, गुलाब का फूल सारे फूलों से आला, रमजान सारे महीनों से आला, जिस तरह जुमा सारे दिनों से आला, लैलतुल कदर सारी रातों से आला, कुरान सारी किताबों से आला, बादशाह वजीर से आला, साहबी ताबेई से आला, ताबेई तबे ताबेई से आला, असलाफ अखलाफ से आला, मुफस्सिर मुहद्दिस से आला, मुअल्लिम मुबल्लिग से आला, आलिम आबिद से आला, इसी तरह हमारा मोहम्मद सारी कायनात से आला। अल्लाह फरमाता है मेरे हबीब कदम उठा, सुन्नत बना दूंगा, गुफ्तगु करेगा, हदीस बना दूंगा, अमल करेगा, शरीयत बना दूंगा, तेरे यहाँ जो बच्चा पैदा होगा आले रसूल बना दूंगा, तो हाँ करेगा हलाल कर दूंगा, ना करेगा हराम कर दूंगा। मेरे हबीब काली काली जुल्फे चेहरे पे डाल, रात बना दूंगा, जुल्फे हटा दिन बना दूंगा। मेरे हबीब जमीन पर बैठ जाए, जमीन को पस्ती दे दूंगा, खड़ा हो जाए आसमान को बुलंदी अता कर दूंगा। मेरे हबीब तू मुस्कुराएगा, चांद सितारों को रोशनी अता कर दूंगा। मेरे हबीब तू गुस्से में आ जाए, जहन्नम बना दूंगा, तू राजी हो जाए जन्नत बना दूंगा। अल्लाह गफूरुर रहीम है, मोहम्मद रऊफुर रहीम है, अल्लाह कादिर कदीर है, मोहम्मद सिराज मुनीर है, वो ला रईब है, ये बेअयब है, वो रब है, ये शाह अरब है, वो दुल जलाल है, ये अमीना का लाल है, उसकी खुदाई है, इसकी मुस्तफाई है, उसकी रुबूबियत है, इसकी नबुव्वत है, उसकी बख्शिश है, इसकी सिफारिश है, वो नबुव्वत देने वाला है, ये नबुव्वत लेने वाला है, वो देना जानता है, ये लेना जानता है, उसका खजीना बड़ा, इसका सीना बड़ा, वो है, ये है, वो ये नहीं, ये वो नहीं, वो राज वाला है, मोहम्मद मेराज वाला है। ला इलाहा इल्लल्लाह के भी 14 हरूफ है, मोहम्मदुन रसूलुल्लाह के भी 14 हरूफ है। ला इलाहा इल्लल्लाह पर भी कोई नुक्ता नहीं, मोहम्मदुन रसूलुल्लाह पर भी कोई नुक्ता नहीं। अल्लाह बतलाना चाहता है मेरे जैसा माबूद कोई नहीं, मोहम्मद जैसा महबूब कोई नहीं। अब कोई नबी आएगा, बोलो जोर से, बोलो, अब जो आएगी वो क्या आएगी, बोलो कयामत। ये उम्मत आखिरी उम्मत, मेरा नबी आखिरी नबी। कहाँ अन खातमुल अंबिया वान तुम आखिरुल उमम। दावा करने वाले भी बहुत लोग गुजर गए, जिनका अल्लाह ने नाम भी मिटा दिया, निशान भी मिटा दिया। मुसैलमा कज़्ज़ाब, उसने नबुव्वत का दावा किया था, अल्लाह के नबी को खत लिखा था, आधी जमीन का मैं नबी, आधी के आप नबी। आपने पर्ची खोली तो लिखा कज़्ज़ाब, और ये कहना है सवाब। हबीब बिन जैद को बुलाया, कहा जा ये पर्ची मुसैलमा को दिया हो, तो खोली लिखा है कज़्ज़ाब। तो मुसैलमा कहने लगा हबीब बिन ज़ैद से मेरी नबुव्वत का ऐलान कर, कहा जिस जुबान ने तुझे झूठा कहा है, जुबान कट सकती है, तुझे सच्चा नहीं कह सकता। फौरन एक उंगली कटवा दी, कहा अभी भी मौका है, कहा मोमिन की एक ही जुबान होती है, ये और बात है हमारी हजारों जुबान है, हम सामने तारीफे करते पीठ पीछे खंजर मारते।
लगाई बुझाई, किसी पे तोहमत लगानी हो कोई परवाह नहीं, किसी पे इल्जाम लगाना हो कोई परवाह नहीं, किसी की गीबत चुगली करनी हो माशाल्लाह वुजू करके मस्जिद में बैठ के करेंगे। रिश्ते तोड़वाना, लोगों की इज्जतों पे हमले करना, लोगों को बुरा भला कहना, तो मीडिया का जमाना है, बटन दबाओ लाखों की इज्जतें घंटों में क्या मिनटों में तबाह बर्बाद हो जाती है। कहां से मैसेज लाया, कहां आगे से आया था, उससे पूछो तू कहां से लाया, कहां आगे से आया था। अल्लाह के नबी ने कहा मेरा झूठा होने के लिए इतना ही काफी है, वो सुनी सुनाई बातों को आगे फैलाए। कोई तहकीक नहीं, कोई रिसर्च नहीं, किसी का ऐप छुपाओगे इंशाल्लाह कयामत के दिन अल्लाह तुम्हारा ऐप छुपाएगा। किसी की इज्जत पे हमले मत करो। पाक दामन लड़कियां होती है, कहा ये तो बेकार लड़की है, इसका चाल चलन ठीक नहीं है। पैंतीस साल चालीस साल हो गए जिसके बगल में रहते रहते, वो अपने पड़ोस कहा यार मेरी बेटी का रिश्ता हुआ है, कहा दाऊद अच्छा रिश्ता है लेकिन मेरे पड़ोसी को मत बताना, वो पीन मरवा के तोड़वा देगा। कितने साल से रहता है तेरे पड़ोसी के साथ, कहा चालीस साल हो गए। पड़ोसी से डरता है, कहा वो है ही ऐसे चालीस साल, जिसकी संगत में माइयत में रहा चालीस साल हो गए, वो अपने बेटी के रिश्ते से पड़ोसी से डरता है, पिन लगवा दे, पिन मरवा देगा, तुड़वा देगा रिश्ता। कितने माँ बाप परेशान है घरों में, देखो कहा अभी भी मौका है मेरी नबुव्वत का ऐलान कर। कहा मोमिन की एक ही जुबान होती है, फौरन दूसरी उंगली कटवा दी, हाथों की उंगलियां, पैरों की उंगलियां, नाखून नोचे, जुबान नोची, आंखें नोची, बकरी की खाल की तरह चमड़ी उधेड़ी, धूप में रखा, बिलक बिलक कर आगोशे मौत में चले गए। हबीब बिन जैद, इनकी वालिदा का नाम था उम्मे अम्मारा, कुर्बान जाऊं उम्मे अम्मारा को भी तो मेरे नबी से बड़ा इश्क था। उम्मे अम्मारा रदी अल्लाह तआला अन्हा के इश्क पे कुर्बान जाऊं, उम्मे अम्मारा रदी अल्लाह तआला अन्हा को मेरे नबी से कितना प्यार था, कितनी मोहब्बत थी। उहुद की जंग के अंदर उम्मे अम्मारा का बेटा शहीद हो गया, भाई शहीद हो गया, खाविंद शहीद हो गया, बाप भी शहीद हो गया, चार चार करीबी रिश्तेदार शहीद हो गए। जब उम्मे अम्मारा के कानों में बात आई, अमीना का लाल भी शहीद हो गया, उम्मे अम्मारा सत्तर साल बूढ़ी माई मैदान की तरफ चल पड़ी, रास्ते में काफला मिला, कहो उम्मे अम्मारा हमें बड़ा अफसोस हुआ, इस जंग में तेरा भाई शहीद हो गया। उम्मे अम्मारा कहने लगी मुझे मेरे भाई की सुनाओ, मुझे पहले बताओ शीमा के भाई का क्या हाल है। काफले वाले कहने लगे ओ उम्मे अम्मारा तेरा बेटा भी शहीद हो गया, कहा मुझे मेरे बेटे की दास्तान न सुनाओ, मुझे पहले बताओ आमीना के बेटे का क्या हाल है। ओ उम्मे अम्मारा तेरा बेटा ही नहीं, अरे तेरा खाविंद भी शहीद हो गया। उम्मे अम्मारा कहने लगी मुझे मेरे खाविंद की कहानी न सुनाओ, मुझे पहले बताओ खदीजा आयशा के खाविंद का क्या हाल है। कहा उम्मे अम्मारा ओ उम्मे अम्मारा तेरा बाप भी शहीद हो गया, कहा मुझे मेरे अब्बा की दास्तान न सुनाओ, मुझे पहले बताओ फातिमा जहरा के अब्बा का क्या हाल है। अल्लाह के नबी तशरीफ लाए सामने, उम्मे अम्मारा गई दामन पकड़ लिया, अल्लाह के नबी रोए, कहा उम्मे अम्मारा हमें बड़ा अफसोस हुआ, तेरा बाप, तेरा भाई, तेरा खाविन और तेरा शोहर और तेरा बेटा, चार चार तेरे करीबी रिश्तेदार इस जंग में शहीद हो गए। कहा न भाई का न बेटे का न शोहर का ख्याल आया, न भाई का न बेटे का न शोहर का ख्याल आया, रसूलुल्लाह कैसे हैं यही लब पर सवाल आया। या रसूलल्लाह मुझे कोई परवाह नहीं, आप सलामत है, मेरा सब कुछ सलामत है, कहां से लाए ऐसा इश्क। तू कहता है तू मोहम्मदी है, तेरे से ब्याज नहीं छूटता, कौन सा मोहम्मदी।
कहा मैं हुसैनी हूँ, तेरे से जंग का सजदा नहीं होता, तेरे से नशा नहीं छूटता, लोन नहीं छूटती, ब्याज नहीं छूटता, हराम खोरी नहीं छूटती, कितना जीना चलता है गैर शादीशुदा लड़कियों और लड़कों के मुकाबले में। अल्लाह की कसम शादीशुदा ज्यादा फंसे हुए, तीन तीन बच्चों की माँ भाग जाती है, तीन तीन बच्चों का बाप भाग जाता है, रोजाना मैसेज आते फुला भाग गया फुला भाग गया, कितने खानदानों को आग लग जाती है। तो वो काफला आया उम्मे अम्मारा के पास, उम्मे अम्मारा हमें बड़ा दुख हुआ, तेरे बेटे को हबीब बिन जैद को मुसैलमा कज़्ज़ाब के सिपाहियों ने बेदर्दी से शहीद कर दिया, पहले उंगलियां काटी, फिर आंखें नोची, फिर जुबान नोची, फिर बकरी की खाल की तरह चमड़ी उधेरी, कुर्बान जाऊं माँ की ममता से तारीख बरी पड़ी है, धड़ंग से जमीन पर नहीं गिरी, हाथ उठाए कहा अली हाद अलियौमी अरज़अतुहु, लोगो यही दिन देखने के लिए मैंने मेरे बेटे को दूध पिलाया था कि वो रसूलुल्लाह की इज्जत कुर्बान हो जाए। अब मुसैलमा कज़्ज़ाब के मानने वाले इसके पास आए, कहा ये जो अरब का नबी है वो बच्चों को हाथ फेरता है बादशाह बन जाते, वो अपना लुआब बच्चे के मुंह में डालता है, फसाहत और बलागत के चश्मे जारी हो जाते, तू भी कोई ऐसा कारनामा करके दिखा लोग तुझे भी मान लेंगे। कहा लाओ बच्चे, पहले दिन 100 बच्चे लाए गए, फिर 75, फिर 50, फिर 25, पांचवे दिन एक भी नहीं, कहा लाओ बच्चे। एक मुरीद कहने लगा गुस्ताखी माफ करना, जिन जिन बच्चों के सर पे तूने हाथ फेरा था सारे गंजे हो गए, और जिनके मुंह में तूने नजीस लुआब डाला था वो सारे गुंगे हो गए, गंजे गुंगे हो गए, कुर्बान जाओ मेरे नबी की शान देखो। अल्लाह फरमाता है मेरे हबीब तो हाथ बुलंद कर, मैं उमर को कलमा पढ़ा दूंगा, तो हाथ बुलंद कर, अबू हुरैरा की अम्मा साहिबे ईमान बना दूंगा, मेरे हबीब तो हाथ बुलंद कर, जाबिर के खाने में बरकत डाल दूंगा, मेरे हबीब तो हाथ बुलंद कर, यार शेरे खुदा पर गर्मी सर्दी का असर खत्म कर दूंगा, मेरे हबीब तो हाथ बुलंद कर, मदीना वाले को बारिश अता कर दूंगा, मेरे हबीब तो हाथ बुलंद कर, अनस का बाग साल में 2 मरतबा फल देना शुरू कर देगा, मेरे हबीब तो हाथ बुलंद कर, बदर फतह करा दूंगा, मक्का फतह करा दूंगा, मेरे हबीब कल कयामत का दिन होगा, हाथ तू उठाएगा, आंसू तू बहाएगा, मैं रब वादा करता हूँ तेरी उम्मत के लिए जन्नत के 8 दरवाजों को मैं खोल दूंगा। सुभान अल्लाह। सबसे अव्वल था जिसको बनाया गया, ताज खत्मे नबुव्वत सजाया गया, सबसे अव्वल था जिसको बनाया गया, ताज खत्मे नबुव्वत सजाया गया, ऐसी तस्वीर जिसकी बनाई गई, ऐसी तस्वीर जिसकी बनाई गई, खुद बना कर खुदा को सुरूर आ गया, सबसे अव्वल था जिसको बनाया गया, ताज खत्मे नबुव्वत सजाया गया, ऐसी तस्वीर जिसकी बनाई गई, खुद बना कर खुदा को सुरूर आ गया। और एक बात, हमारे नबी का कोई सगा भाई नहीं, कोई सगी बहन नहीं, शीमा सगी बहन नहीं थी, अल्लाह की क्या हिकमत थी। हमारे यहाँ हम देखते हैं जब बच्चे की विलादत होती है तो हम उसका चेहरा देखकर फौरन इसका चेहरा दूसरों के साथ जोड़ देते, कहा इसके गाल कहा दादा जैसे, इसकी पेशानी कहा मुमानी जैसी है, इसके हाथों की उंगलियां कहा मौसी जैसी है, इसके चेहरे की रंगत कहा इसकी बहन जैसी है, एक ही मिनट में सारी कड़ियां जोड़ देते हैं। अल्लाह की हिकमत पे कुर्बान जाऊं, हमारे नबी का कोई सगा भाई नहीं, हमारे नबी की कोई सगी बहन नहीं, ताकि कल उठकर मक्का का कोई बंदा या मदीने की कोई औरत ये न कहे कि मोहम्मद अपने भाई जैसा है, मोहम्मद अपनी बहन जैसी है, बहन जैसा है। अल्लाह का अल्लाह की हिकमत पे कुर्बान जाऊं, अल्लाह फरमाता है मैं खालिकियत में बेमिसाल हूं, ये मैं खालिकियत में बेमिसाल हूं, ये मखलूकियत में बेमिसाल है, मैं रब्बुल आलमीन हूँ, ये रहमतुल लिल आलमीन है, कयामत की सुबह तक मेरी वहदानियत की कुर्सी पे कोई आ नहीं सकता, मोहम्मद की खत्म नबुव्वत की कुर्सी पे कोई बैठ नहीं सकता।
थक गए, आपकी वजह से मुझे बयान बंद करना पड़ेगा। एक घंटे से पकड़ के रखा, अभी तो कभी तो डर लगता है मार ना दे मुझे। अच्छी अच्छी नौकरी दे दी है, इसलिए अल्लाह का कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह वर रसूल। अल्लाह फरमाता है मेरी इताअत करो, मेरे नबी की इताअत करो। अगर तुमने मेरे नबी की इताअत की, वमन युतीउर रसूल फकद अता अल्लाह। अगर तुमने मेरे नबी की इताअत की, फरमाबरदारी की, गुलामी की, समझ लो मुझ खुदा की बंदगी हो गई। अल्लाह के नबी का फरमान है ला يؤمنوا احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين। अल्लाह के नबी का फरमान है कोई आदमी उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं बन सकता, कामिल मुसलमान नहीं बन सकता, जब तक मैं काली कमली वाला उसके दिल में, उसके माँ बाप से, बीवी बच्चों से, दुनिया की हर चीज से मैं काली कमली वाला प्यारा ना बन जाऊं। अरे इश्क की एक दास्तान सुनाओ। शहर बल्ख में एक ताजिर था, तिजारत भी गुड़ शक्कर की नहीं, गोलगप्पों की नहीं, पानी पूरी की नहीं, तिजारत करता था सोने और चांदी की, जेवरात। वो मर गया, दो बेटे थे और खुश नसीब इतना था, जायदाद के साथ साथ नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दाढ़ी मुबारक के तीन बाल सोने की डिबिया में इसके पास मौजूद थे। जब मर गया, दो बेटे थे, जायदाद तकसीम हुई, दुकान मकान प्लॉट जेवरात सोना चांदी सब कुछ तकसीम हुआ। बाद में उस डिबिये की बारी आई जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दाढ़ी मुबारक के, बोलो कितने बाल थे। बड़ा भाई कहने लगा एक बाल तेरा एक बाल मेरा, तीसरे बाल के दो टुकड़े कर आधा तेरा आधा मेरा। छोटा भाई कहने लगा दोबारा अगर ऐसी बदतमीजी की बेअदबी की, अरे तलवार से तेरी तेरा सरतन से जुदा कर दूंगा। बड़ा भाई कहने लगा क्यों, कहा मेरे पास वो आंखें नहीं, मेरे पास वो जिगर नहीं, मेरे पास वो कलेजा नहीं, जिन आंखों से मैं सरकारे मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मुबारक बाल के टुकड़े होते हुए देखो। मैं नहीं देख सकता कि हमारे नबी के बाल के दो टुकड़े हो, चाहे आधा मेरे पास रहे आधा तेरे पास रहे, लेकिन काटना तो है। मेरी मेरा ईमान मेरा इश्क रसूल इजाजत नहीं देता कि मेरी आंखों के सामने मेरे नबी के मुबारक बाल के दो टुकड़े हो। आज हमारा इश्क रसूल इतना फीका पड़ गया, आज हमारा इश्क रसूल इतना कमजोर पड़ गया, कल कयामत का दिन होगा यही लिबास यही चेहरा लेकर अगर अल्लाह के नबी के पास चले गए, हमारी यहूदियों वाली सूरत अंग्रेजों वाला चेहरा देखकर कहीं हमारा नबी ये न कहे ये मेरा नहीं मैं इसका नहीं। وقال الرسول يا رب ان قوم اتخذوا هذا القران منجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين اله العالمين। ये मेरी वही उम्मत के लोग है जिन्होंने मेरे कुरान को छोड़ दिया था, ये मेरे ऐसे ही दुश्मन है जैसे पहले नबियों के दुश्मन हुआ करते थे। आखिरी मौके पर कहा था अस्सला अस्सला वमा मलकत अईमानुकुम, मेरी उम्मत नमाज ना छोड़ना, अपने मातहतों के साथ अच्छा सलूक करना। ये घरों में कितना जुल्म चलता है, धड़ाधड़ छोटी छोटी बातों पे तलाक, मिर्च ज्यादा है नमक कम है, कहा बहुत अच्छी बात है, कहा तलाक तलाक तलाक। कह भी देना भाई तूने तीन तलाक दे दी, कहा मैं तलाक बोला ही नहीं था, मौलाना में तो कलाक 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 कहा था। बोला ना गुस्से में तलाक पड़ जाती है, मैंने कहा प्यार में भी लोग देते होंगे, तो मेरी दुल्हन अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र अल्लाह ने इतनी खूबसूरत बीवी दी, जात प्यार में तोहफा देता हूँ तलाक तलाक तलाक। और एक नुक्ता, अगर कोई शराब के नशे में तलाक दे दे तलाक पड़ जाती, नींद में दी तलाक नहीं पड़ती, शराब के नशे में दी पड़ जाती। किसने कहा था तुझे शराब पीने, अब रे अकेला।
ये बीमारी यहाँ आई है नशा करने की। मेडिकल स्टोर से लाते दवाइयाँ, नशा करते, छोटे छोटे बच्चे करते। अभी ये बोतल ला रहा है, अल्लाह बचाए कल वो बड़ी बोतल लाएगा इंग्लिश वाली। मैं माँ बाप से कहूंगा अपने बच्चों की तरबियत करो, इनकी खलवत जलवत पर नजर रखो, इनका उठना बैठना देखो, गलत सहबत से अपने बच्चों को बचाओ। कितना झूठ चलता है, कितना धोखा चलता है। किसी से बाइक खरीदना हो बहुत डर लगता है, फौरन मीटर चेंज। गाड़ी खरीदी फौरन मीटर चेंज, का क्या मॉडल है का 2008, कितनी फ्री है का सिर्फ 30,000, 3 लाख का सीधा 30,000। सुलेमान अलैहि सलातो सलाम को अल्लाह ताला ने बहुत ताकत दी थी, परिंदों की बोलियां भी समझते थे। एक मरतबा परिंदे आए, शोर न कर, इंसान आया आकर के, बंदा आके सुलेमान अलैहि सलाम से कहने लगा, ये परिंदे अल्लाह ने किस लिए पैदा किए? क्या हमारे लिए पैदा किए? क्या हम खा सकते? बाद में दूसरे दिन परिंदे आए, कहा लोग हमारा शिकार करते, तो कहा ठीक है नहीं करेंगे, मैं अदालत बुलवाऊंगा, एक तरफ तुम्हें बिठाऊंगा, दूसरी तरफ बंदों को बिठाऊंगा। तो बंदे कहने लगे हमें तो अल्लाह ने, आपने तो बताया था कि अल्लाह ने परिंदों को इंसानों के लिए बनाया है, हलाल है तो हम काट के खा भी सकते। परिंदे कहने लगे हमें शिकायत इस बात की नहीं कि हमारा शिकार करते, शिकायत इस बात की है कि ये शिकारी के लिबास में नहीं आते, ये दुर्वेशाना लिबास पहनकर जंगलों में आते, हम आते, हम समझते हैं कि एहतिकाफ करने जा रहा है, और फिर जब हम गफलत में रहते हैं तो ये तीर निकाल के हमें शिकार करके हमें पछाड़ते हैं, हमारा शिकार करते हैं। हमें शिकायत इस बात की नहीं है कि ये हमारा शिकार करते हैं, हमें शिकायत इस बात की कि इन्हें ये कहो कि शिकारी के लिबास में आए ताकि हम अपना दिफा कर सके। धोखा कितना मन गश्शा फले समीन ना, अल्लाह के नबी ने कहा जो धोखा दे वो मेरा उम्मती नहीं है। गिबत चुगली लगाई बुझाई, अनाप शनाप बकवास, कुछ अच्छा बोल सकते हो तो बोलो, वरना खामोशी बहुत बड़ी दौलत है। पिछले जमाने में एक बादशाह का बेटा था शहजादा, उलमा के साथ उठता बैठता था, रोजाना हदीसें सुनता, रोजाना सुनता। एक दिन एक हदीस कानों में पड़ी, मन समता न जा, जो खामोश रहा वो कामयाब रहा। उसने बोलना ही छोड़ दिया, काम की बात है फिर भी नहीं बोलता। बादशाह को बड़ी तशवीश हुई, यार ये बोलता क्यों नहीं, अच्छी खासी जुबान थी, बड़ा मीठा इसका लहजा था, अचानक बोलना क्यों बंद कर दिया? उसने दूर दराज से अतिबा होकमा डॉक्टरों को बुलाया, कोई नब्ज देखता है, कोई नाखून देखता है, कोई आंखें देखता है, लेकिन किसी को मरज समझ में नहीं आया। दूर दराज से एक हकीम साहब आए हुए थे, वो कहने लगे असल बात कुछ है नहीं, असल बात यह है कि इसके जहन में खुश्की है, सुबह सवेरे जंगलों की सैर कराओ, ये ठंडी ठंडी हवाओं के थपेड़ इसके जहन में आएंगे तो ये बिल्कुल बोलता हो जाएगा, जहन की खुश्की खत्म हो जाएंगी, जो बोलने में रुकावट बनी हुई है वो रास्ता निकल जाएगा। तो बादशाह को ये मुशावरत बड़ी पसंद आई, एक वजीर को बुलाया, ये इसको रोजाना सुबह शिकार के लिए ले जा, रात को रोजाना तुझे मुझे बताने है कि ये रास्ते में क्या बोला है, रोजाना ले जा, रोजाना लाता है, आज कुछ बोला कहाँ कुछ नहीं बोला, फिर दूसरे दिन आज कुछ बोला कहाँ कुछ नहीं बोला, तीसरे दिन आज कुछ बोला कहाँ कुछ नहीं बोला। एक दिन का वाकया, वो वजीर पत्तों के बीच में, दरख्तों के बीच में परिंदे को ढूंढ रहा था, एक फाख्ता परिंदा पत्तों के बीच में छुप के बैठा था, बादशाह के लड़के की नजर पड़ी, वजीर की नजर नहीं पड़ी, वजीर 4-5 कदम आगे गया, परिंदे ने पर फड़फड़ाए, तो वो वजीर पीछे आया, उसने बगौर मुताला किया तो वो जो फाख्ता दिख गया, उसने मारा जोर से तीर, जख्मी होकर फाख्ता परिंदा नीचे गिरा। बादशाह का लड़का कहने लगा मन समता न जा, अल्लाह के नबी ने सच कहा, जो खामोश रहा वो कामयाब रहा, अगर ये पर ना फड़फड़ाती तो ना मरती। लेकिन अब ये भी तो बोला, ये भी तो बोला। शाम को दरबार में गया, बादशाह ने पूछा आज कुछ बोला कहाँ, इतना बोला है मन समता न जा। बादशाह को बड़ा गुस्सा आया, कहा ये इसकी शरारत है, बोल सकता है फिर भी नहीं बोलता है, इसको मुधा लटकाओ, जल्लाद से कहा मारो इसको कोड़े, 2-3 कोड़े मारे गए, फिर कहा सदक रसूलुल्लाह, रसूलुल्लाह ने सच फरमाया मन समता न जा, जो खामोश रहा वो कामयाब रहा, फाख्ता बोली वो मारी गई, मैं बोला मैं मारा गया।
तौबा तौबा, तोहमत ना लगाओ, इल्जाम ना लगाओ, गिबत ना करो, चुगली ना करो, झूठ ना बोलो, धोखा ना दो, साफ मुआशरा बनाओ, वजूद को साफ बनाओ, दिलों में कीना ना रखो। हम नमाज पढ़ने जाते हैं, दिलों में हजारों कीने हैं। बड़ा भाई कहने लगा एक बाल तेरा एक बाल मेरा, तीसरे बाल के दो टुकड़े कर आधा तेरा आधा मेरा। छोटा भाई कहने लगा दोबारा अगर ऐसी बदतमीजी की, दोबारा अगर ऐसी जुबान चलाई, मैं तलवार से तेरा तीर तेरा सर तन से जुदा कर दूंगा। बड़ा भाई कहने लगा क्यों, कहा मेरे पास वो आंखें नहीं जिन आंखों से मैं सरकारे मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मुबारक बाल के टुकड़े होते हुए देखूं। बड़ा भाई कहने लगा अगर तू इतना पक्का सच्चा आशिक़े रसूल है, तेरे तेरी जायदाद मुझे दे दे, तेरे हिस्से का सोना मुझे दे दे, तेरे हिस्से की चांदी मुझे दे दे, तेरे हिस्से की जमीन मुझे दे दे, तेरे हिस्से का सारा जायदाद मुझे दे दे। बड़ा भाई छोटा भाई कहने लगा मैं बिल्कुल रजामंदाना तौर पर ऐलान करता हूँ, दुकान तेरा, दुकान तेरी, मकान तेरा, जायदाद तेरी, सोना तेरा, चांदी तेरी, सेरा तेरे, सब कुछ तेरा, नबी का बाल मुबारक मेरा। हम होते तो कहते भाई इश्क और है, जायदाद और है, इश्क और चीज है, जायदाद और चीज है, मैं अपनी जायदाद क्यों दूं? अरे दूसरों की नहीं छोड़ते, कब्रिस्तान की जमीन नहीं छोड़ते, मस्जिद की लीला पेटी में ताला लगाना पड़ता है। अरे अरे लीला पेटी छोड़ो, मस्जिद की लेटरिंग में जो जूते हैं वो भी आधे आगे से काट के रखते, ठीक ठाक होंगे तो उठा के ले जाए। मस्जिद की लेटरिंग के लोटे भी आंकड़ों से बांध के रखने पड़ते, खुले होंगे तो उठा के ले जाएगा। कितने भाई हैं विरासत में से बहनों को हिस्सा नहीं देते। कुरान बदल जाए कोई परवाह नहीं, हदीस बदल जाए कोई परवाह नहीं, मेरी जायदाद बननी चाहिए। ऐसी ऐसी जगहों से पैसे ढूंढ लेते हैं जहां से सांप अपनी खुराक ढूंढ लेता है। एक आदमी था, ईद का दिन था, बड़ा अच्छा सा जूता लाया 1500 रुपए का, बहुत बड़ा मजमा था ईदगाह में। वो सोचने लगा यार जूता पीछे रखूंगा वो उठा के ले जाएगा, आगे को रखता हूँ। अब आगे को जूता रखा है, एक नजर सजदे की जगह को रखता है, एक नजर जूते को देखता है। और एक चोर खड़ा था पर दाईं तरफ, एक चोर, उसने देखा जूता बड़ा खूबसूरत चमक रहा है, लेकिन इसे ये भी पता है कि ये एक नजर सजदे को देखता है, एक नजर जूते को देखता है। वो वली बन गया, जैसे अभी 4 महीने लगा के आया, उसके पास से गुजरने लगा, शर्म नहीं आती, नमाज भी पढ़ते हो जूते भी उतारते हो। वो बेचारा शर्मा गया, उसने नजर झुकाया, वो जूता उठा के भाग गया। एक औरत आई, कहा मौलाना साहब बेटा फौत हो गया, कितना हिस्सा मिलेगा? कहा 8वां हिस्सा, बहुत कम, थोड़ा बढ़ाओ, आपको भी कुछ दे देंगे। बेचारा होगा 2500 रुपये तनख्वाह वाला। कहा चल मैं बहुत बड़ी किताब से तुझे फतवा देता हूँ। कहा कौन सी किताब? कहा इतनी बड़ी किताब, उससे बड़ी कोई किताब आई ही नहीं। कहा कौन सी किताब? कहा कुरान। कहा बताओ हवाला दो। कहा तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अगना अनहु मालुहु व मा कासब। कहा मा का ही सब है और किसी का कुछ है ही नहीं। कहा ले जाओगे जायदाद? कब्रों में। अरे मर गए कितने लोग सोए हुए, फटा हुआ मोजा भी पहना दो, वसीयत करके कहना मेरे बेटा मेरा फटा हुआ मोजा मुझे पहना कर सुलाना, गोधरा का कोई मुफ्ती जनाजा नहीं पढ़ाएगा, फटा हुआ मोजा भी साथ नहीं आता, सिर्फ सिर्फ 2.5 मीटर का कफन साथ आता है, फिर कौन कब्रिस्तान जाता है? मिन्हा खलकनाकुम पढ़कर मिट्टी डाली और फिर यूं करते, तू जाने तेरा काम जाने, खत्म। हफ्ते में लोग भूल जाते, आंसू भी खुश्क हो जाते, ना माँ याद रहती है ना बाप याद रहता है। आदमी का जिस्म क्या है? जिस पे शैदा है जहाँ, एक मिट्टी की इमारत, एक मिट्टी का निशान, खून का घाड़ा बनाया ईंट जिसमें हड्डियाँ, चंद सांसों पर खड़ा है ये ख्याली आसमां, मौत की पुरजोर आंधी जिस दम आके टकराएंगी, ये मिट्टी की इमारत फिर मिट्टी में मिल जाएंगी। बहारे दुनिया चंद रोजा न चली यहाँ सर उठा उठा कर, खुदा ने करोड़ों नक्शे मिटा दिए है बना बना कर, जब तू दुनिया से जाएगा कुछ साथ न तेरे होगा, दो गज कफन का टुकड़ा तेरा कुल लिबास होगा।
होगा। कैसे कैसे घर उजाड़े मौत ने, खेल कितनों के बिगाड़े मौत ने। अल्लाह मदीने की मौत नसीब फरमाए। दारा सिकंदर जैसे पछाड़े मौत ने, कितनों को कब्रों में गाड़ दिया मौत ने। मौत तो आनी है, तुम कितना भी भागो। अइनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरुजिम मुशय्यदा। घरों में चले जाओ, जंगलों में चले जाओ, सहराओं में छुप जाओ, मौत का जो वक्त लिखा है वो तो अपने वक्त आकर दबोच लेंगी। एक आदमी का कुत्ता मर गया, बहुत रो रहा है। तो दोस्त ने कहा मंडी लगती है, कुत्ता खरीद लेना, इतना क्यों रो रहा है। और रोता है इस वजह से नहीं, वो कुत्ता मर गया, इस वजह से रोता हूँ, मौत के फरिश्ते ने मेरा घर देख लिया। कभी कभी है ना, मौत का फरिश्ता आता है ना, तो ये जिसके पास आता है ना उसको दिखता है, दूसरों को नहीं दिखता, इसको दिखता है। कभी कभी अल्लाह इंसान की शक्ल में भी भेज देता है। एक आदमी के पास इंसान की शक्ल में मौत का फरिश्ता आया, कुंडा खटखटाया, वो झूला झूल रहा है, सुलेमान नाम था, कुंडा खटखटाया, बा कहा नाम है, कहा सुलेमान, कहा तुम कौन, कहा इजराइल मौत का फरिश्ता, कहा यहाँ क्या लेने आयो, कहा तेरी रूह निकालने आयो, अल्लाह का हुक्म मिला है, कहा यार अभी तो बच्चे को भी डॉक्टर बनाना है, दोनों बच्चे बाकी है, बेटी को भी रुखसत करना है, कितने काम पड़े हुए, थोड़ा टाइम दे दो। कहा ठीक है चल, तेरे दोनों डॉक्टर बन जाए ना, बच्चे फिर आऊंगा। चला गया, बहुत टाइम गुजर गया, दोनों बच्चे डॉक्टर बन गए, बेटी भी रुखसत हो गई। वही पुरानी आदत, वही पुराना मजा, झूला झूल रहा है, पान चबा रहा है, वो मौत का फरिश्ता है, कुंडा खटखटाया, कहा कौन, कहा सुलेमान, कहा तुम कौन, कहा मौत का फरिश्ता, याद है ना तूने कहा था, कहा तेरे बेटे कहा है, कहा वो तो डॉक्टर बन गए, लेकिन अभी थोड़ा टाइम और मिल जाए, तो कहा अब नहीं, अब नहीं, अब इसको दिखता है, इसकी घरवाली है, उसे नहीं दिखता। मौत का फरिश्ता पांव के पास जा रहा है रूह खींचने, तो इस तरह गुलाटी मार, वो चेहरे के पास आ रहा है तो इस तरह घूम जाता, वो झूले पे इस तरह गोल गोल गुलाटी मार रहा है, तो उसकी बीवी को ऐसा लगा इसको खींच आ रही है, मिर्गी का दौरा पड़ रहा है। फौरन फोन घुमाया, दोनों बेटे डॉक्टर को बुलाया, जल्दी आ जाओ, तुम्हारे डैडी को दिल का दौरा पड़ा है, मिर्गी का दौरा पड़ा है, इसको खींच आ रही है। दोनों बेटे दौड़ भागे आए, एक ने पांव पकड़ा, एक ने हाथ पकड़ा, उसने आसानी से रूह निकाली, कहा तू इसके लिए मोहलत मांग रहा था, ये तो खुद तेरी जान के दुश्मन बने हुए। मौत केले का जायका में मालूम है, अनन्नास का जायका में मालूम है, अमरूद का जायका में मालूम है, हजारों मिठाइयों के जायके हमें मालूम है, हजारों शरबतों के जायके हमें मालूम है। अरे ओ गोधरा वालों, कब्रिस्तान में जाके किसी मुर्दे से पूछ के आओ, मौत का जायका कितना शदीद होता है। ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बहुत सारे मौजज़ात दिए थे, मुर्दे के पास जाते ना, कहता तुम बीज निल्ला, मुर्दा उठ के बातें करता था। एक कबर के पास गए, कहा तुम बीज निल्ला, उठा, कौन, कहा साम, कौन साम, नूह अलैहि सलाम का बेटा, कहा हाँ, अरे तेरे को यहाँ पड़े कितने साल हो गए, कहा कितने हजारों साल हो गए, कहा चल बता कबर का माहौल क्या होता है, कबर का हाल क्या होता है। वो कहने लगा आप मुझे कबर का हाल पूछते हो, इससे पहले ये क्यों नहीं पूछा मौत का झटका कितना शदीद होता है, हजारों साल हो गए कबर में पड़ा हूँ, आज तक मेरे मौत की तलखी मेरी जुबान से नहीं गई। तो वो छोटा भाई कहने लगा कोई बात नहीं, सारा कुछ दे दे, वो सोने की डिबिया तीन बाल मुझे दे दे। अभी बात खत्म नहीं हुई, वो रात को सोया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ख्वाब में आए, कहा ओ दुनिया के सबसे बड़े अमीर, क्यों, कहा इस वक्त तेरे अलावा मेरे दाढ़ी मुबारक के तीन बाल तेरे अलावा किसी के पास नहीं, तूने इश्क निभाया, जायदाद को ठुकराया और तूने मेरा बाल बचाया कटने से, मैं एक टाइम आएगा तेरा बड़ा भाई तेरे दरवाजे पे आके चौकीदारी करेगा, जब तकदीर को तमाचा मारना हो तो क्या देर लगती है। फिर बाद में वक्त गुजरता गया, उसकी जायदाद भी खत्म हो गई, माल भी खत्म हो गया, अब तो वो बड़े छोटे भाई के पास आकर के कहने लगा कारोबार नहीं, धंधा नहीं, रोजगार नहीं है, अब तो खाने के भी लाले पड़े हुए, एक काम कर तू अपने दरवाजे पर मुझे चौकीदारी रख ले। अल्लाह के नबी का फरमान यूं पूरा हुआ।
मुसलमानों बहुत बड़ा मजमा है, सारे नियत करें इंशाल्लाह हम हर उस अमल से अपने आप को बचाएंगे जो अल्लाह और उसके रसूल की नाराजगी का सबब बनता हो। नमाजी बन के मरेंगे बोलो इंशाल्लाह, कुरान की तिलावत करेंगे बोलो जोर से इंशाल्लाह। ये झूठ गीबत बहतान शराब ये जुआ सट्टा ब्याज लोन अल्लाह की कसम इन सारी चीजों से अपने आप को बचाओ। अगर तुम ब्याज से बच गए, लोन से बच गए, हरामखोरी से बच गए, बदकारी जिना से बच गए और नमाजी और कुरान के आशिक बन गए, मरोंगे यहाँ अल्लाह जन्नत के आठों दरवाजों को खोल देगा। मैं कमेटी वालों को मुबारकबादी पेश करता हूँ, इनका दिल से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और आप सामीन का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे ये बाबू भाई कोकनिया और इनके ग्रुप वाले नौजवान बड़ा अच्छा सा इन्होंने माहौल बनाया, बहुत खूबसूरत प्रोग्राम मुनाकिद कराया। अल्लाह ताला हाजरीन की हाजिरी को कबूल फरमाए, इनकी मेहनतों के सदके में अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ फरमाए। अल्लाह ताला हरमैन शरीफेन की जियारत पूरे ग्रुप वालों को नसीब फरमाए। या साहिब अल जमाल व या सय्यद अल बशर मिन वजहिकल मुनीर लकद नुवर अल कमर ला यमकिनु सनाउ कमा कान हक्कुहु बादस खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।